ये बहुत ही टेस्टी लंच रेसिपी बन के तैयार है। मिक्स वेज सब्जी और फ्राइड राइस इस तरह से बनाइए, खाइए, अपने हर दिन के खाने का स्वाद बढ़ाइए। और क्षितिज होम ब्लॉग्स पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह है चम्मच रिफाइंड, अब इसे में डालिए। यह एक तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, एक हरी मिर्ची, दालचीनी और ये जीरा। यह है गाजर, शिमला मिर्ची, प्याज, सब है बारीक कटा हुआ। अब ये सब्जी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें उबला हुआ चावल डालिए। अब इसमें डालिए थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये फ्राइड राइस बनके तैयार है, फ्लेम को ऑफ कर लीजिए। स्वागत है और आज बनाएंगे मिक्स वेज सब्जी। ये है पनीर, आप जो भी सब्जी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। शिमला मिर्ची है, गाजर, प्याज है बारीक बारीक कटा हुआ। ये आलू भी काट के धो के साफ किया हुआ है। ये थोड़ा सा फूल गोभी है, इसको नमक और हल्दी के पानी में हल्का सा उबाला हुआ है। ये पहले पनीर को फ्राई कर लेंगे। आपको जैसा भी पसंद हो उस हिसाब से पनीर को काट लीजिए। ये इस तरह से पतला पतला कटा हुआ है। अब ये पनीर फ्राई हो गया है, इसको निकाल लीजिए। यह थोड़ा सा पचफोरन और इसमें डालिए ये प्याज। इसमें डालिए ये फूलगोभी। आलू धो के साफ किया हुआ। अब ये गाजर और शिमला मिर्ची को भी डालिए, सबको मिला के फ्राई कीजिए। ये है दो तीन हरी मिर्ची, इसको भी डालिए। यह है जीरा, मरीच, सूखी लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, पिसा हुआ ये मसाला है, इसको डालिए। अब इसमें डालिए सब्जी के हिसाब से नमक, हल्दी पाउडर, यह एक चम्मच किचन किंग मसाला, इसमें डालिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और
लिए है थोड़ा सा कसूरी मेथी और इस मसाले को अच्छे से फ्राई कीजिए। यह एक टमाटर कद्दूकस किया हुआ, अब डालिए इसमें ये धनिया की पत्ती, अब ये सब्जी फ्राई हो गया अच्छे से, इसमें डालिए गरम पानी। अब इसी में डालिए ये पनीर फ्राई किया हुआ, अब सब्जी को ढक के पूरा पकने तक पकाइए। ये बहुत ही टेस्टी मिक्स वेज सब्जी बनके तैयार है, फ्लेम को ऑफ कर लीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लंच रेसिपी बनके तैयार है, मिक्स वेज सब्जी और फ्राइड राइस, इस तरह से बनाइए, खाइए, अपने हर दिन के खाने का स्वाद बढ़ाइए और क्षितिज होम ब्लॉग्स पे बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।